दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ट्रेडर नाम। निफ्टी ट्रेडर नाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने फ्राइडे के दिन डेटा एनालिसिस के बारे में बात किया था कि मंडे डेटा क्या रहने वाला है। वहाँ पे प्रो क्या किए थे, कॉल बाई करके गए हैं, कॉल बाई के गए थे, ऑब्वियसली वो मार्केट थोड़ा ऊपर रखना चाहेंगे। उन्होंने आज पोजिशन बुक किया या फिर मार्केट में और तेज़ी है या फिर मंदी है, आपको कैसे देखना है। देखिए जो कुछ भी अब आपको जितने भी बिग न्यूज आने वाले थे वो आपको न्यूज हो गया, सब कुछ सेटल डाउन हो गया, तो क्या मार्केट यहाँ से तेजी करेगा या मंदी करेगा। यानी मंदी करेगा भी तो कहाँ तक जाएगा, तेजी करेगा तो कहाँ तक जाएगा, ये सब डेटा के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और लॉन्ग टर्म में हमें कैसे देखना है, शॉर्ट टर्म में कैसे देखना है, सब कुछ के बाद किया जाएगा। चलिए यहाँ पे अगर देखें मार्केट की क्लोजिंग 23,259 के ऊपर है। यानी मार्केट आज खुला तो सही ऊपर भी गया लेकिन वहाँ पे क्लोजिंग जो है वो नीचे साइड में दिया, लगभग यहाँ से कहें तो 30 पॉइंट्स नीचे आज क्लोजिंग दिया कल से। अब पोजीशन यहाँ पे क्या बनाया गया, अगर ऑप्शंस एंड फ्यूचर दोनों में बात किया जाए, रिटेल ट्रेडर यहाँ पे उन्होंने क्या किया, लॉन्ग पोजीशन आज अपना बुक किया। यानी जो भी इनके पास लॉन्ग पोजीशन था उसमें से उन्होंने थोड़ी सी 34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किया। 1,24,000 से इनके पास क्या हो गया, 87,000। यानी इनको भी लग रहा है कि मार्केट अब यहाँ से क्या है, ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ी शॉर्ट पोजीशन बनाए। तो नेट टू नेट देखें 51% इनका क्या है, लॉन्ग है, 40% शॉर्ट है। यानी 11% ही यहाँ पे लॉन्ग बैठा हुआ है हमारा रिटेल ट्रेडर। DII जो बेरिश में था, बुलिश में, हमें पहले बेरिश रहता था, अभी क्या है थोड़ा सा बुलिश आ गया 11,000 के पास। यानी थोड़ी सी आज उन्होंने 3,200 कॉन्ट्रैक्ट्स बुलिश की बनाई है। मेन यहाँ FII का है, FII के पास देखिए शॉर्ट पोजिशन क्लोज हो रहा है, लॉन्ग इनिशिएट कर रहा है, इसके पास 1,49,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो जब तक FII के पास ये आपको 40% अभी जो शॉर्ट है, ये अगर आपको नीचे 35% टू 30% नहीं आता है, और ये लॉन्ग आपको 30 पॉइंट कहिए कि ऊपर नहीं जाता है 30 से 34%, तब तक मार्केट गिरने वाला नहीं है, इस चीज़ों को याद रखिए। यानी होगा यहीं पर मार्केट क्या है, एक रेंज बाउंड रहेगा, रेंज बाउंड रख के उसने क्या किया, उसने वो शॉर्ट की पोजीशन क्लोज करेगा और कॉल की जो भी बाइंग है बहुत नीचे में किया है वो भी पोजीशन क्लोज करेगा, जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक का भी होगा वो, तो वो हमें डेटा में दिख जाएगा। अभी ओवरऑल क्या है, यहाँ पे आज उसने शॉर्ट पोजीशन क्लोज की, थोड़ी सी लॉन्ग बनाई, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं है अब, क्योंकि उसके पास शॉर्ट पोजीशन क्लोज हो रहा है। अब आप तो बोलेंगे कि ये तो उल्टा है, आप उल्टा बता रहे हैं कि शॉर्ट पोजीशन क्लोज होगा, जब वो शॉर्ट किया तो मार्केट नीचे जाना चाहिए, लेकिन नहीं दोस्तों, इसके पीछे एक लॉजिक है कि जब भी वो शॉर्ट करता है, जब भी वो शॉर्ट करता है और शॉर्ट उसके 50% हो जाते हैं उसके ऊपर, ये लॉन्ग पोजीशन ओनली आपको जब 7% होता है तो मार्केट वहाँ से एक अच्छा बाउंस करता है, क्योंकि उसके 10x वो क्या करता है, कॉल बाई करता है, नहीं वो ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। तो अभी अवसली अगर वो कॉल यहाँ पर लॉन्ग कर रहा है तो वो पुट बाई कर रहा होगा धीरे धीरे। यानी आप ये कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से 100-200 पॉइंट ऊपर ही जाएगा, ये टॉप बन सकता है मार्केट का, ये कल परसों का डेटा हमें और इंडिकेशन दे देगा, लेकिन ये अर्ली इंडिकेशन है कि मार्केट का टॉप हो सकता है, बनने जा रहा है अभी कुछ दिनों के लिए। चलिए FII ने आज लॉन्ग पोजिशन, सॉरी प्रो ने आज लॉन्ग पोजिशन थोड़ी सी बुक की 23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, 62 से 43,000। प्रो अभी भी लॉन्ग है 43,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ, तो मार्केट अभी इतना जल्दी नहीं गिरने वाला है, आपको सपोर्ट यहीं 200-150 के पास लेगा, कहाँ पे लेगा उसकी भी हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। अब आपको स्टॉक्स फ्यूचर में देखें 37% रिटेल ट्रेडर बुलिश है, पूरे के शॉर्ट यहाँ पे 54% बैठा हुआ है वो हमारा DII, FII 11%, कल 13% था यानी फ्राइडे के दिन 64,000 बुक कर दिया, तो ये बुक किया ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि वो अपने ऊपर की जो मार्केट ऊपर में है तो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं लॉन्ग वाली। जब ये स्टॉक्स फ्यूचर में भी लॉन्ग पोजीशन बन रहा है तो ऑब्वियसली मार्केट ऊपर ज़्यादा नहीं जाएगा, और प्रो यहाँ पे 6% के साथ लॉन्ग बैठा हुआ है। मेन इंडिकेशन यहाँ पे ऑप्शंस के डेटा को होगा, ऑप्शन डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको शॉर्ट टर्म व्यू देता है यानी एक दिन दो दिन का व्यू देता है, आप फ्यूचर वाला थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू देता है। चलिए आज डेटा में क्या चेंजमेंट हुआ, 21,75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल की बाइंग की गई आज, किसके द्वारा, हमारा रिटेल ट्रेडर द्वारा। ये देखिए दोस्तों, ये नेट टू नेट पोजीशन देखने से आपको कुछ पता नहीं चलेगा, या मैं आपको नेट बता दूं ये नेट बता दूं, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा आपको, नेट पोजीशन में हुआ कहाँ पे, 21,75,000 क्या किया उन्होंने, बाई किया कॉल,
90,20,000 सेल किया, नेट टू नेट 2,57,000 कॉल बाई किया गया, यानी इनके पास जो 74 था वो 3,29,000, ये क्या है इनका बुलिश पोजीशन हो गया। कॉल साइड इनके पास क्या हो गया बुलिश पोजीशन, यानी रिटेल ट्रेडर यहाँ पे कॉल साइड बुलिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं। पुट साइड 10,00,000 पुट भी बाई किए, 8,95,000 पुट की सेलिंग की, नेट टू नेट 1,08,000 पुट बाई की। तो कुछ इसमें से ऐसे हैं जो एनालिसिस करते हैं, उन्होंने अगर पुट बाई किया हो तो मार्केट FII के साथ हो जाएंगे, अगर FII कॉल बाई किया होगा तो रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बुलिश करेंगे। लेकिन मैक्सिमम पैसा कहाँ पे लगा है, दोनों साइड में देखा जाए तो कॉल बाई करने में ज़्यादा पैसा लगा है। आप यहाँ देखिए कॉल की बाइंग करने में ज़्यादा पैसा लगा है हमारे किसके, रिटेल ट्रेडर का। तो ऑब्वियसली अगर कॉल की बाइंग करने में ज़्यादा पैसा लगा है तो ये चाह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाए, लेकिन FII ने क्या किया है यहाँ पे, कॉल की सेलिंग कर दी है और पुट की बाइंग की है, तो ये मार्केट को नीचे लेके आएंगे। हमारा फ्यूचर का भी डेटा यही इंडिकेशन कर रहा है कि फ्यूचर में पुट बाई, यानी आपको फ्यूचर में पुट की, सॉरी फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन क्लोज कर रहे हैं और पुट बाई कर रहे हैं, तो ये भी हमारे यहाँ समझ गए, यानी FII बेरिश है, मार्केट को नीचे लाएंगे, रिटेल ट्रेडर यहाँ पर बुलिश है। प्रो 5,65,000 टच कॉल की राइटिंग कर दी, कॉल की सेलिंग कर लिया, पुट साइड 1,38,000 बाइंग की, 1,18,000 सेल की, नेट टू नेट 20,000 बाई किया। प्रॉप भी यहाँ पे क्या है बेरिश है, यानी FII का भी डेटा बेरिश, प्रॉप का भी डेटा बेरिश, रिटेल ट्रेडर बुलिश, तो मार्केट ऑब्वियसली आप कमेंट करके बताइए कहाँ जाएगा। मेरे हिसाब से तो मार्केट नीचे जाना चाहिए, अभी मार्केट का टॉप का आसपास है। चलिए अब यहाँ जो पोजीशन बनाया गया है वो हमें क्या इंडिकेशन कर रहा है, ठीक 23,200 कहाँ पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस 22,413 का, न्यूट्रल पॉइंट 22,313, क्लोजिंग वहाँ से लगभग 60 पॉइंट नीचे दिया है, यानी 60 पॉइंट नीचे है तो 50 टू 60 पॉइंट्स का क्या है आप वो बचा है ऊपर में, 67% राइटर वो कॉल में बैठा हुआ है, 67% बटा है, 33% पुट में, ये राइटर यहाँ पे हैवी है, बायर 58% है जबकि 67% राइटर है, तो ये ज़्यादा है, यानी बायर का वेटेज यहाँ पे कम है, राइटर का ज़्यादा है, मार्केट यहाँ पे नीचे जाने के चांसेस हैं हमारे ऑप्शंस में भी। बेयरिश 23,300-24,000 यहाँ पे क्या है ग्रेविटी है, तो आपको ऊपर साइड 23,300-13,320 तक टच कर सकता है मैक्सिमम। अगर आप देखिए हमारा जो मिड पॉइंट्स 23,227 यहाँ पे, यानी मिड पॉइंट्स के आसपास मार्केट है। बैंक निफ्टी 81% राइटर कॉल में बैठा हुआ है, बायर 55% बैंक निफ्टी बेयरिश है, 49,775 जहाँ पे सपोर्ट है वहीं पे क्लोजिंग दिया है मार्केट, रेजिस्टेंस 50,058 का, न्यूट्रल पॉइंट 49,917, अपसाइड यहाँ से मैक्सिमम 100 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में, डाउन साइड ज़्यादा है क्योंकि राइटर बहुत ज़्यादा राइटिंग करके जा रहा है, कॉल राइटिंग किया है तो मार्केट ऑब्वियसली नीचे रहेगा। और फिन निफ्टी अगर देखें, फिन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी, तो कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, फिन निफ्टी में 20,029 का, यानी 20,000 का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस 20,292 का, न्यूट्रल पॉइंट के पास ही मार्केट क्लोजिंग दिया है 22,154, 74% राइटर है वो कहाँ कॉल में बैठा है, और बायर इक्वल हैं, राइटर का वेटेज यहाँ पे दाना है ज़्यादा, मार्केट नीचे की तरफ आएगा, ग्रेविटी 22,200-22,300 के बीच है, यानी मार्केट आप अपसाइड अगर करता है तो टच कर सकता है यहाँ से 22,300 मैक्सिमम। अब यहाँ पे इसके शॉर्ट कवरिंग पॉइंट कहाँ पे है, फिन निफ्टी का शॉर्ट कवरिंग पॉइंट देखिए ऊपर में है तीनों यहाँ पे, कहाँ 22,300, 22,400, 22,500। तो दोस्तों यहाँ से अपसाइड अगर आता है तो 22,300 ये कल टच करेगा एक बार, ये कल जरूर एक बार टच करेगा क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऊपर हैं, तो एक बार तो जरूर जाएगा, आप लिख लीजिए कहाँ पे, वहाँ पे राइटर्स को निकालने जाएगा, यानी अगर आप वहाँ पे जाता है उसके बाद से आप अपोजिट पोजिशन बना सकते हैं। मिड कैप निफ्टी 11,669 सपोर्ट, रेजिस्टेंस 11,700, 71% राइटर कॉल में, 50-50 है यहाँ पे जो है बायर, मिड कैप निफ्टी का भी डेटा बेयरिश है। अब थोड़ी सी यहाँ प्राइस एक्शन की हम बात कर लेते हैं,
प्राइज एक्शन पे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है? देखिए निफ्टी का अपसाइड का मोमेंटम जो बताया आपको 23,440 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अभी, जब तक 23,440 के लेवल को ब्रेक नहीं करता आप लॉन्ग में ये, और ये सपोर्ट कहाँ है 23,200 एक जैसे ही लेवल ब्रेक होगा नीचे साइड सीधा इसका टारगेट 23,130 और इसके बाद 22,900 यानी 23,000 इसके बाद 22,900 का लेवल, एक बार 23,000 के लेवल के आसपास आना चाहिए। बैंक निफ्टी अब देखते हैं, बैंक निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जहां पे रेजिस्टेंस है उसके पास है 49,900 का। हमने कल बात किया था कि ये लेवल 49,960 के लेवल को अगर ब्रेक करके चलेगा तभी ऊपर आपको लॉन्ग होना है। अभी फिलहाल सपोर्ट इसका आप देखिए 49,500 का, तो यहाँ से 200 पॉइंट नीचे सपोर्ट है, कल एक बार 49,500 के लेवल को टच करना चाहिए। अगर सपोर्ट ब्रेक से होता तो 49,000 का लेवल दिखाई देगा बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा बेरिश है। मिड कैप निफ्टी एंड फिन निफ्टी अभी यहाँ पे सपोर्ट लिया है जो 21,160 ये इसका सपोर्ट है, आप देख सकते हैं फिलहाल में भी। तो यहाँ से अगर ऊपर जाएगा 22,400 जो हमारा लेवल था शॉर्ट कवरिंग पॉइंट सेकेंड वन, ये इस लेवल को टच करने जाएगा, लेकिन ये जैसे 22,180 के लेवल के क्रॉस करे तभी आप पोजिशन बनाइए, अदरवाइज बैंक निफ्टी और निफ्टी इसको खींच के नीचे ला देगा। और मिड कैप निफ्टी तो बिल्कुल ही यहाँ पे आज चला ही नहीं, देखें इसका भी सपोर्ट 11,650 का, नीचे के साइड 11,400 का टारगेट, ऊपर साइड 11,800 ये हमारा टारगेट रहे। FII कैश में यहाँ पे थोड़ी सी आज बाइंग करके गए, तो अब इनको कॉन्फिडेंस हो गया कि मार्केट में जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है वो कंटिन्यू रहेगा, 2,500 की इन्होंने बाइंग की है, DII भी यहाँ बाइंग की है। FII कैश का डेटा स्लाइटली बुलिश है। दोस्तों देखिए टेलीग्राम चैनल पर हम यहाँ पर लाइव में अपडेट ये करते रहते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है, यानी अपसाइड डाटा बेस है क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, न्यूट्रल पॉइंट क्या है, यहाँ पे कोई आपको टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दिया जाता, इन डेटा के ऊपर होता है। तो अगर आपको मैं ऐसा पोस्ट करता हूँ अगर हमारा रेशियो एंड ये स्ट्रेंथ सब बेरिश है यहाँ पे, तो आप जो है इस इन द सेंस कि मार्केट में बेरिशनेस है। सपोर्ट रेजिस्टेंस न्यूट्रल पॉइंट की हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं। अगर मार्केट यानी आपको अंडरलाइन प्राइस न्यूट्रल पॉइंट से 70-80 पॉइंट से, तो न्यूट्रल पॉइंट के मार्केट टच करेगा न्यूट्रल पॉइंट के आसपास। तो ये सब कुछ कैसे आपको बात होगा, यानी ये आप इतना ही डेटा एक छोटे स्केल में देख के कैसे पता करेंगे, इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। नहीं तो आपको अगर वर्कशॉप चाहिए तो नेक्स्ट वर्क कुछ हमारा 16 जून से स्टार्ट हो रहा है, आप इसमें कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत ही मिनिमम सीट है दोस्तों, वहाँ पे 5-6 लोगों को ही सिखाते हैं, एकदम मैन टू मैन कनेक्ट होता है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे 50 लोग हैं, बहुत अच्छा से वहाँ पे सबके साथ शिद्दत से बात हो जाता है। तो आप इस नंबर पे कंप्लेन इस नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने कीमती समय देने के लिए। दोस्तों डिस्क्लेमर है कि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के आधार बनाया गया है, इसके आधार पर बाई सेल या होल्ड का पोजीशन क्रिएट न कीजिए, अपने फाइनेंसर से जरूर सलाह लीजिए, उनके ही सलाह पर बाई शुरू करिए। मिलते हैं कल आई मार्केट में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।